कैसा रहा था खिलाड़ी की आने वाला को कितनी तैयारी है? तकरीबन पूरी है और जाएंगे तो इसके लिए हरियाणा की मुश्किल ऐसी क्या खास बात है कि सबसे ज़्यादा पहलवान खेल से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर खाना पानी आगे लोग थोड़े ज़्यादा मैच मान सकते हैं, ऐसा गोल बनाए और उसके लिए हम लोग पूरी जान से मेहनत करें और उसके लिए कुछ ना कुछ करना योगदान होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ तरुण कोल। आज हमारे साथ है भारत के पहलवान रवि दहिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया और भारत को सिल्वर पदक दिलाया। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद रवि 3 बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीत चुके हैं। आइए रवि से बहुत सारी बातें करते जाए। रवि, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपने संघर्ष के बारे में, कैसा रहा आपका संघर्ष? तो भाई साहब, वो संघर्ष की बात करें तो हर खिलाड़ी के जीवन में होता ही, और तकरीबन कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो 2020 में अभी ओलंपिक हुआ, अभी उसके बाद कई टूर्नामेंट हैं, तो अभी जूनियर गेम्स हैं, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो तकरीबन अभी तो चलता है। क्या कहेंगे रवि, CWG आने वाला को उम्र करते कितनी तैयारी है? काफ़ी एक अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हैं और तैयारी तकरीबन पूरी है और यही रहेगी कि आप जाएंगे तो देश के लिए जरूर गोल्ड मेडल लाते हैं। अमर उजाला की तरफ से आपको इस चीज़ की बहुत शुभकामनाएं कि आप पक्का गोल्ड मेडल लाएंगे। और ये बताइए कि जैसे हर खिलाड़ी होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप इस पर क्या पॉइंट्स है जैसे कि आप जिस पर ज़्यादा काम कर रहे हो? देखो, एक खिलाड़ी आप तो ये ना कि ये तो है नहीं कि अभी नहीं है, तकरीबन 14-15 साल के रेसलिंग गेम में है, तो जो चीज़ है वो पुरानी ही है, बस ये जो थोड़ी थोड़ी कई जगह होती है कि सुधार की जरूरत है, उस पर काफ़ी कार्य चल रहा है और हर चीज़ तो मतलब ये इनको बदल सकते हैं, जो जो चीज़ आप कर सकते हैं उसके लिए तो पूरी तैयारी के साथ लग रही है। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि जैसे गोल्ड मेडल है या मेडल जितने भी आते हैं हरियाणा से आते हैं, तो रेसलिंग में हरियाणा की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है कि सबसे ज़्यादा पहलवान यहीं से निकलते हैं? वैसे देखो काफ़ी एक देखो कि आप पहले यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्रेज है रेसलिंग का, पहले महाराष्ट्र पंजाब और कई राज्यों में था, पर अभी फिलहाल हरियाणा में और काफ़ी बढ़ गया है। देखो वहाँ पे भी अभी काफ़ी खिलाड़ी निकल रहे हैं वहाँ से, पर हरियाणा में ना और ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ का ये खाना पानी कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा है वहाँ से, या थोड़ा यहाँ के लोग हैं थोड़े और ज़्यादा मेहनत मान सकते हैं, तो तकरीबन यही चीज़ें हैं कि जो मतलब एक दूसरे से देख के काफ़ी ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपकी इस वक्त परफॉर्मेंस कैसी है, आप कितने घंटे वर्कआउट करते हैं और क्या क्या आप डाइट फॉलो करते हैं, आप इसके बारे में क्या? तो भाई साहब, बात परफॉर्मेंस की तो एक खिलाड़ी को परफॉर्मेंस है ना वो एक गेम से पता चलता है, क्योंकि अभी टूर्नामेंट है तो तीसरे टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे निकले हैं, तो अभी टूर्नामेंट गेम से पता चलेगा काफ़ी है, पर तकरीबन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। और बात करें तो ट्रेनिंग को सुबह तकरीबन 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते और शाम को 6:30 से लेकर 7 और खाना पीना तकरीबन देसी रहता है, गाँव से दूध गई मक्खन जो भी जाती है जाकर खाना वाला तकरीबन खाता है। आप ये बताइए कि कभी आप बाहर का खाना खाते हैं या कुछ भी ऐसे जो भी मार्केट में सामान आते हैं प्रोडक्ट आते हैं जो भी आप चीज़ें आती है खाते हैं आपकी चाउमीन बर्गर? देखो भाई साहब, इनसे तकरीबन दूर ही रहते हैं और इस टाइम जो टूर्नामेंट के टाइम जो तकरीबन हर चीज़ बंद हो जाती है, तो उस टाइम तो बस ये रहता है कि अपना जो नेचुरल है वही खाया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट पास में है, क्योंकि बीमार होने की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो इस टाइम पर पूरा फोकस इस चीज़ पर रहता है कि आप एक अच्छे रूटीन को फॉलो करो और काफ़ी एक अच्छे तरीके से खेल खेलने का प्लान है। CWG में आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई प्रतिद्वंदी है जो आपको कॉम्पिटिशन दे सकता है? तो वो भाई साहब, खिलाड़ी किसी को हर खिलाड़ी पूरा अपना 100% देने के लिए आता, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी अपना हल्के में नहीं दे सकते, सब एक एक्सपीरियंस कोई मैच में चढ़ता है तो ये सोच के आता है कि मेरे रोटी का, तो किसी को हल्के में नहीं दे सकते और किसी को ये नहीं कह सकते कि वो एक कम से ज़्यादा हम लोग मेहनत की है या कम से ज़्यादा खा सकते हैं, तो सब सेम है, तो अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे और उम्मीद रहेगी किसी को देश की। जब सिल्वर मेडल आएगी मैच में जाने से पहले तो मैच शुरू होने वाला होता है, कितना माइंड में प्रेशर होता है, क्या चलता है? तो भाई साहब, एक पूरी तैयारी के साथ पहले ही गए थे कि ओलंपिक गेम्स हैं, तो उसके हिसाब से पहले तैयारी तकरीबन लगे हुए थे, कई साल 2 साल से क्वालिफाई हो गया 2 साल पहले से, और एक अच्छी तैयारी के साथ लगे हुए थे कि जब जाएंगे तो पूरा 100% देंगे। तो मैच से पहले तो बहुत सारे ख्याल आते, मैंने पता नहीं क्या हुआ ये, पर अगर मैच से चली जाते तो उसके बाद तो सीख जाता है कि भाई आप सीखा है वो मैच पूरा देना है और 100% देके, और जब मतलब उतरना है तो यही है कि वो जब तक मतलब अपना 100% दे देना, तो एक तैयारी के साथ जाते हैं और उसकी मैच करने के बाद कोई परेशान नहीं है। आपके जीवन में पहलवानी सत्ता में सफलता आपके परिवार का आपको क्या समझ हैं उसके कुछ उनका सुनता मेरे को मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सुनता था, आज उन्हीं के रूप में याद किया। भाई आप काफ़ी सारे युवा फॉलो करते हैं, आप एक देश का सम्मान बढ़ाया, आपको उसकी शान है, आप अपने युवा पहलवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको बस यही कहूँगा कि भाई एक अच्छा गोल बनाएं और उसके लिए मतलब पूरी चीज़ जान से मेहनत करें और देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दें और पूरी चीज़ जान लगा किसी भी गेम में हो या किसी भी फील्ड में देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखें। जबकि आपको कैसा लगता है, ऐसा लम्हा आपको प्राउड फील हुआ कि पहलवान बनने के बाद जैसे आपसे आपको लगता है कि हाँ सही किया, मेरा संगत काम आया और आज मेरे पहलवान लाइन में सही करें? देखो काफ़ी जो टूर्नामेंट होते हैं और आप जीत हासिल करते हो या मतलब एक अच्छा प्रदर्शन करते हो कहीं भी टूर्नामेंट है तो ऐसा लगता है यार एक अच्छी लाइफ मिल गई है, एक अच्छा मतलब जो एक सोचा भी नहीं था इस लाइफ तक पहुँचने का, इस दिन है तक तो मतलब बहुत सारे मोमेंट आते हैं इसमें जिसमें मतलब ये फील होता है। ये थे हमारे साथ पहलवान रवि दहिया, इन्होंने बताया कि कैसे इनकी CWG की तैयारी चल रही है। रवि, आपको अमर उजाला की तरफ से CWG के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और देश का मान ऐसे बढ़ाए। रवि, हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।